हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम पार्टनरशिप अकाउंट्स को ही कंटिन्यू करेंगे एंड दिस इज़ आर लेक्चर नंबर 5। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू प्रिपेयर अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस के अकाउंट्स को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहले आपने सीखा कि सोल ट्रेड बिजनेस के अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सोल ट्रेड में क्या होता है, एक सिंगल ओनर होता है, यानी एक ही पर्सन मालिक होता है बिजनेस का। तो हम कैसे प्रिपेयर करते थे, सबसे पहले हम प्रिपेयर करते थे जनरल, जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते थे डबल एंट्री सिस्टम पर। उसके बाद लेजर, जिसमें हम क्लासीफाई करते थे अकाउंट्स को। नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस। आफ्टर दैट हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे, जिसमें प्रिपेयर किया जाता था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हम निकालते थे ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। एंड लास्ट प्रिपेयर करते थे बैलेंस शीट, जिसमें जो बताती थी हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़, जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन डिपेक्ट करती थी। ओके, सो ऐसे हम प्रिपेयर करते थे सोल ट्रेड बिजनेस के अकाउंट्स को। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। अब पार्टनरशिप बिजनेस के अकाउंट्स को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा एज सोल प्रोप्राइटर। मतलब पार्टनरशिप बिजनेस में भी हम वैसे ही अकाउंट्स, उसी अकाउंटिंग प्रोसीजर को फॉलो करेंगे जैसे हम सोल ट्रेड में करते थे। जैसे उसमें हम डबल एंट्री सिस्टम करते थे, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल को फॉलो करते थे, तो यहाँ भी जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, कुछ चेंजेस आएंगे। अब वो चेंजेस हम देखते हैं। अगर हम पार्टनरशिप बिजनेस की बात करें तो सबसे पहले यहाँ प्रिपेयर किया जाएगा जनरल, यानी सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर लेजर, फिर क्लासीफाई किया जाएगा, फिर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाएगा, फिर उसके बाद फाइनल अकाउंट्स पे आएगी बारी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो, अगर हम सोल ट्रेड की बात करें तो वहाँ पे क्या है, एक सिंगल ओनर है, और जो प्रॉफिट या फिर लॉस होता है वो उसी का होता है। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम प्रिपेयर करेंगे, उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो एक ही पर्सन का होगा। बट अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो अब पार्टनरशिप में क्या होते हैं, जॉइंट ओनर्स होते हैं। अब प्रॉफिट पे जो है वो हर एक पार्टनर का अधिकार है, यानी अब हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अमंग डिफरेंट पार्टनर्स। अब प्रॉफिट एक पर्सन का नहीं है, अब प्रॉफिट बहुत सारे पर्सन्स का है, सारे पार्टनर्स का है। अगर तीन पार्टनर हैं तो तीन पार्टनर का है, अगर पार्टनरशिप में 6 पार्टनर्स हैं तो 6 पार्टनर्स का है। तो दैट मीन्स हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अमंग दी पार्टनर्स। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यानी प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी अब हम पार्टनरशिप अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के साथ साथ एक और अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इस अकाउंट में हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारे पास प्रॉफिट्स आएंगे उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग दी पार्टनर्स। ओके, नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे कैपिटल अकाउंट। अब देखो, यहाँ पे अब एक पर्सन तो है नहीं, बहुत सारे पर्सन्स हैं, तो अब सब पार्टनर्स की कैपिटल का अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हम प्रिपेयर करेंगे कैपिटल अकाउंट, ताकि हम सारे पार्टनर्स के कैपिटल को बैलेंस, जो कैपिटल का बैलेंस है उसको फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिपेयर होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, और लास्ट हम प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। ओके, सो जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, कुछ चीज़ें ऐड हो गई, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ओके, होप आपको ये क्लियर होगा।
नाउ व्हाट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे मैंने आपको बताया कि ये अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है। देखो, कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हैं उसके पीछे उसका कुछ ऑब्जेक्टिव है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, कि जो हमने प्रॉफिट फाइंड आउट किया है उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करें। ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही पार्ट है। दैट इज प्रिपेयर टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। और इसको प्रिपेयर क्यों किया जा रहा है? ताकि हम पार्टनर्स के बीच में नेट प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। ओके, अब इसमें सारी एडजस्टमेंट्स की जाती हैं रिलेटिंग विद पार्टनर्स, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कमीशन टू पार्टनर्स, सब हम इसमें शो करते हैं। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में और कैपिटल अकाउंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करने से पहले अब हमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को समझना है। फर्स्ट है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड सेकेंड वन इज़ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। इन टर्म्स को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हर एक बिजनेस को रन करने के लिए हमें कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, लाइक सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट, रिफ्रेशमेंट, रेंट, कमीशन। ओके, बहुत सारे खर्चे होते हैं हर एक बिजनेस के, है ना। अब एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल का। ठीक है, आपका बिजली का बिल आया, तो एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि क्या आप फर्म जो है वो बिजली का बिल तभी पे करेगी जब उसको प्रॉफिट होगा? मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, अगर प्रॉफिट्स होंगे तो हम उसे पे करेंगे, और अगर लॉस होंगे तो हम उसे पे नहीं करेंगे। और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं पे करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हमारा जो कनेक्शन है वो क्या हो जाएगा? डिसकनेक्ट हो जाएगा। यानी हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना ही होगा, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। दैट मींस फर्म में कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो हमें बियर करने ही होते हैं, जिन्हें हमें करना ही होता है, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो चाहे फर्म में लॉस हो। और ऐसे एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दीज आर द एक्सपेंडिचर्स दैट आर इनकर्ड बाय द फर्म वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस इन द बिजनेस। ये वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो हर एक फर्म को इनकर करने ही होते हैं, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। लाइक सैलरी, आपको अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करनी ही है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपको बिजली का बिल भरना ही है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। रेंट, पोस्टेज और बहुत सारे ऐसे बिजनेस में खर्चे होते हैं जो उन्हें पे करने ही होते हैं, लाइक सप्लायर की पेमेंट करनी हो गई। तो आप ये सप्लायर को ये नहीं कहोगे कि इस साल लॉस हो गया, मैं आपकी पेमेंट नहीं कर सकता, आपको वो पेमेंट करनी ही है। इट इज़ अ एक्सपेंस हैंस डिडक्टेड फ्रॉम द रिवेन्यू टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द बिजनेस। ये हमारा एक्सपेंस है, ये हमारा खर्चा है, इसलिए हम अपने इनकम में से इसको डिडक्ट करते हैं। और इन खर्चों को शो किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मतलब कहाँ पे शो किया जाता है? दे आर रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसे एक्सपेंसेस जो आपको इनकर करने ही हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसे आप शो करते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। ओके, नेक्स्ट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। ये ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो तभी इनकर किए जाएंगे जब फर्म में प्रॉफिट्स होंगे। मतलब अगर फर्म में प्रॉफिट्स होंगे तो ये एक्सपेंस किए जाएंगे, अदरवाइज ये एक्सपेंसेस नहीं पे किए जाएंगे। देखो, इट इंडिकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये बेसिकली एक तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉफिट्स की। एंड दीज एक्सपेंडिचर्स आर इनकर्ड ओनली व्हेन देयर आर प्रॉफिट्स। और ये एक्सपेंडिचर्स तभी किए जाते हैं जब फर्म में प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जांपल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोनस टू पार्टनर, कमीशन कोई रेमुनरेशन पार्टनर को, यानी सैलरी या फिर बोनस, जो भी डिसाइडेड है। ओके,
ये सब तभी दिया जाएगा जब फर्म में प्रॉफिट्स होंगे। अगर फर्म में प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या बोनस या कमीशन या सैलरी डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाएगी। देखो, पार्टनर जो हैं वो फर्म के क्या हैं, पार्टनर्स जो हैं वो फर्म के ओनर हैं, तो अगर फर्म का लॉस होता है तो वो उन्हें बियर करना है। अगर प्रॉफिट्स होंगे तभी तो उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ना। सो हमारे पास बेसिकली एक्सपेंसेस को हम दो पार्ट्स में बायफर्केट करते हैं। एक को हम मानते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और दूसरों सेकेंड को मानते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स में वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमें इनकर करने ही होते हैं, चाहे फॉर्म में प्रॉफिट हो चाहे फॉर्म में लॉस हो। ये बेसिकली एक्सपेंसेस हैं जो आउटसाइड से रिलेटेड हैं, यानी जो हमें बाहर पे करने हैं। सेकेंड है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स क्या है, ये वो एक्सपेंडिचर्स हैं जो तभी इनकर किए जाएंगे जब फॉर्म में प्रॉफिट्स होंगे। अगर फॉर्म में प्रॉफिट्स नहीं हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूट, मतलब ये एक्सपेंसेस इनकर नहीं किए जाएंगे, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर। ये बेसिकली जो एक्सपेंसेस होते हैं वो पार्टनर से रिलेटेड होंगे। ओके, बिकॉज पार्टनर जो है वो ओनर है और अगर लॉस होता है तो पार्टनर को कुछ भी दिया नहीं जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज पेमेंट मेड और ड्यू टू अ पार्टनर मे बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जो हमें पेमेंट पार्टनर को करनी होती है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी हो सकती है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी हो सकती है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्म को ना फंड्स की नीड हुई 1 लाख रुपीज़ की और हमारे पास 3 पार्टनर है, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी। पार्टनर ए कहता है कि मेरे पास पैसा है और मैं फर्म को ये पैसा दे सकता हूँ एज अ लोन। ओके, मैं फर्म को ये पैसा दे रहा हूँ एज अ लोन और मुझे इस लोन पे इंटरेस्ट दिया जाए। ठीक है, अब अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, सपोज यहाँ पे ए ने फर्म को लोन दिया है, ठीक है, तो अब फर्म इसको क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। तो अच्छा बताओ कि अगर फर्म कहीं बाहर से ये लोन लेती तो क्या वहाँ इंटरेस्ट देना पड़ता ना। तो अब यहाँ पे ए ने ही हमें लोन प्रोवाइड कर दिया, तो अब ए को जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे उसे हम मानेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, बिकॉज ये जो ए ने हमें पैसा दिया है वो एज अ लोन दिया है, ना कि एज अ कैपिटल। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो फर्म जो उस लोन पे इंटरेस्ट पे करेगी उसे हम लेंगे एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी उसे पे किया ही जाएगा चाहे फर्म में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। अब अगर एक पार्टनर फर्म को अपनी कोई जगह रेंट पे देता है, ठीक है, इस पार्टनर ने फर्म को कोई जगह दे दी रेंट पे, तो अब फर्म को इसको रेंट पे करना पड़ेगा। तो जो फर्म को रेंट पे करना पड़ेगा वो भी क्या माना जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बिकॉज अगर फर्म बाहर किसी और से वो जगह रेंट पे लेती तब भी तो वो रेंट पे करना ही था। तो यानी अगर किसी पार्टनर ने रेंट पे कोई जगह दी है फर्म को, तो वो जो पेमेंट की जाएगी रेंट की वो भी क्या होगी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी उसे पे करना ही होगा चाहे फर्म में प्रॉफिट हो चाहे फर्म में लॉस हो। सो पेमेंट मेड और ड्यू टू अ पार्टनर मे बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जो हम पेमेंट करते हैं पार्टनर को वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी हो सकता है और एप्रोप्रिएशन भी। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में बेसिकली 2 आइटम्स होंगी, दैट आर इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर ने किसी ने लोन दिया है फर्म को तो उस पर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो, और सेकेंड वन इज रेंट टू पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने रेंट पे कोई प्लेस दी है फर्म को तो उस पर जो रेंट पे किया जाएगा वो भी होगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और बाकी जो आइटम्स हैं वो होंगी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोनस टू अ पार्टनर, कमीशन, सैलरी, ये सब क्या हो जाएंगी, एप्रोप्रिएशंस। ओके, सो
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट पेबल टू पार्टनर जो है वो क्या माना जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसे हम अप्रोप्रिएट नहीं मानेंगे, यानी ये पे किए ही जाएंगे चाहे फॉर्म में प्रॉफिट हो चाहे फॉर्म में लॉस हो। सो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहती है कि इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेबल टू अ पार्टनर और मैनेजर कमीशन, ये तीनों चीज़ें क्या हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स ये पे किए ही जाएंगे चाहे फॉर्म में प्रॉफिट हो और चाहे फॉर्म में लॉस हो। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो चीज़ें होती हैं वो कहाँ नोट डाउन की जाती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो पार्टनर से रिलेटेड सारी आइटम्स होती हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं जो तभी दिए जाती हैं एक्सपेंसेस जब प्रॉफिट होते हैं, वो हम नोट डाउन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ओके, होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट और कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। हैव अ नाइस डे।